बाल्को प्रबंधन ने बाल्को नगरवासियों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किया। शिविर में प्रतिभागियों के लिए पैडी आर्ट, पिडिलाइट पेंटिंग, माइंड पावर कॉन्सेंट्रेशन, व्यक्तित्व विकास, स्वास्थ्य जागरूकता और नृत्य कक्षाओं के आयोजन की व्यवस्था की गई। देखें ये रिपोर्ट। बाल्को प्रबंधन द्वारा बाल्को महिला मंडल के सहयोग से सेक्टर एक के प्रगति भवन में आयोजित ग्रीष्मकालीन प्रतिभा विकास शिविर का उद्घाटन बाल्को के मुख्य प्रचालन अधिकारी श्री भू प्रसाद मिश्रा ने किया। इस मौके पर उन्होंने प्रतिभागियों से बाल्को के आयोजन का लाभ उठाने का आह्वान किया। So I think ये जो प्रोग्राम चल रहा है इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम और इसमें जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दैट इज अ लॉट ऑफ वर्क। वो लोग बहुत बड़ा चीज मिस कर रहे हैं एंड दैट विल इवन अफेक्ट इन देयर करियर, क्योंकि हम लोग जब 30 साल सब पहले पढ़े थे वो अभी काम में आ रहा है, बट ये लोग जो आज पढ़ रहे हैं और 20 साल 15 साल के बाद काम में आएगा और दैट टाइम व्हाट द मार्केट विल नीड is creativity, then what market will need is innovation. तो ये हिसाब से अब अगर आप पेरेंट के हिसाब से आप अपना बच्चों को एक्सरसाइज करवाएंगे, उनको अपॉर्चुनिटी देंगे तो दे विल डू वेरी गुड। इस बार हम लोग काफ़ी डिफरेंट तरीके से प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, जहाँ पर कि उनको गाँव में जो आर्ट है, जो रूरल आर्ट है, उसे हम यहाँ पैडी आर्ट के नाम से बोल रहे हैं, वो पैडी आर्ट भी हम लोग उन्हें सिखाने जा रहे हैं, जो बच्चों ने कल से शुरू भी कर दिया हल्के हल्के रूप में। इसके बाद कई तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट जो आप सामने देखेंगे, कैप पर कुछ फैब्रिक पेंटिंग शुरू करने जा रहे हैं, फ्रिज में जो चिपका देते हैं मैग्नेट जैसा, वो सब आर्ट सीखने जा रहे हैं वो लोग, और जेल या जेली जो होता है ये कैंडल का, वो भी सीखने जा रहे हैं। इसके अलावा अभी अभी आज जो क्लास हुआ है यहाँ पर, बच्चों को क्या क्या सुरक्षा के बारे में जानना चाहिए वो सिखा रहे हैं, कैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई आग लग जाए, कोई बिजली के जीवों से कैसे बचा जाता है, क्या सावधानी बरती जाती है वो सिखाने जा रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज में जो हाइजीन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो हम लोग सिखाने जा रहे हैं। उसके लिए हमारे हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब लोगों ने हमें कंसेंट दिया है कि हम आएंगे और बच्चों को एड्रेस करेंगे। इसके अलावा गोवा से कोरियोग्राफर आ रहे हैं जो कि वो डांस के क्लासेस देंगे, और इनसे हटके आज हमारे बीच सलीम साहब आए हुए हैं, वो सिखाने जा रहे हैं कि कैसे बच्चे अपने क्लास में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, कैसे वो पढ़ाई में बेटर हो सकते हैं, कैसे उनकी मेमोरी बढ़ सकती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का समावेश करके हम लोगों ने क्लब इस समर कैंप को आयोजन किया हुआ है, ताकि समर कैंप में खूब बच्चे सीखें, समझें, खूब इंजॉय करें और अपने टाइम का अच्छा उपयोग करें। पैडी आर्ट वर्कशॉप का संचालन प्रसिद्ध कलाकार श्री शिव कुमार ने किया। उन्होंने प्रतिभागियों को धान के पैरे से कलाकृतियां उकेरने की कला सिखाई।
माइंड पावर वर्कशॉप का संचालन पोटेंशियल एबेकस रायपुर के विशेषज्ञ श्री सलीम ने किया। उन्होंने प्रतिभागियों को याददाश्त बढ़ाने की अनेक तकनीकों और ध्यान केंद्रित करने की बारीकियों से अवगत कराया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बच्चों को आता है वो ये है कॉन्सेंट्रेशन। बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते टीचर की बातों को ज्यादा देर तक, थोड़ी देर तक सुनेंगे। अगर 45 मिनट का पीरियड है तो बच्चे 10 मिनट 15 मिनट तक अच्छे से सुनते हैं टीचर की बात को, लेकिन बाद में उनका ध्यान कहीं और चला जाता है। वो अपने फ्रेंड के साथ बातचीत करें, जैसे अभी कुछ कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हो बेटा तुम, कहाँ है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन, किधर है, कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, है ना, स्कूल में तुमको प्रॉब्लम आती है, ऐसी ये प्रॉब्लम है ना तुम्हारी कि तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो टीचर की बात में, मेरी बात में नहीं कर रहे हो, उसका मतलब टीचर की बात में भी नहीं करते हो, है ना, दिस इज द प्रॉब्लम। आपने देख लिया इसका एग्जाम्पल, यही होता है क्लास में जब टीचर पढ़ाती है और बच्चे का ध्यान इधर उधर होता है। क्यों फिर कुछ बच्चे मेरे में आते और कुछ नहीं आते, मैक्सिमम नहीं आते, इसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि वो ज्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। अब कॉन्सेंट्रेशन के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, किसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन से क्या क्या मिरेकल्स पॉसिबल है आप देखना चाहेंगे। तो मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा उस क्लिप को, कॉन्सेंट्रेशन से क्या क्या हो सकता है आप देखेंगे, आपको खुद को सरप्राइज होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। इसे थोड़ा ध्यान से देखें, पिडिलाइट पेंटिंग वर्कशॉप का संचालन ख्याति प्राप्त चित्रकार सुश्री शादाब कौशर और श्री रॉबर्ट्स ने किया।